फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डेली वोकैब वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स डेली द हिंदू वोकैबुलरी पावर्ड बाय वोकैब 24 ऐप। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने SSC के लिए और बैंकिंग के लिए ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट कर दी, जहां अर्ली 1000 स्टूडेंट्स को हमने 30% ऑफ दिया था कूपन कोड PRE30 यूज करके, जहां पे फ्रेंड्स एनरोल स्टूडेंट बहुत जल्दी 1000 हो गए हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि इससे वंचित हो गए हैं। उन्हें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन सभी के मेल जो उन्होंने किए थे इसके डिस्काउंट के लिए, वो हमने एक्सेप्ट कर लिए हैं और हमने ये उन सभी की रिक्वेस्ट के बाद में इस ऑफर को एक्सटेंड कर दिया है फ्रेंड्स 30 अप्रैल तक। अब आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। ओके, तो आप सभी को निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम थी फाइनेंशियल, जिनकी वजह से हमने ये ऑफर को एक्सटेंड किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए SSC के बारे में, तो wifistudy.com/SSC टाइप कर सकते हैं और SSC के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और बैंकिंग के स्टूडेंट्स wifistudy.com/banking टाइप करके इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में आप 7023336 75 फोन नंबर यूज करके भी कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरी जान सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला वर्ड क्या है। पहला वर्ड है पॉइज। पॉइज का मतलब होता है बी रेडी एंड प्रिपेयर टू डू समथिंग, तैयार होना या फिर करना। तो अगर आप किसी काम को लेकर तैयार हो, करने को रेडी हो, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, पॉइज। ये एक नाउन है और इसका सिनोनिम है पोजिशन वन सेल्फ, रेडी वन सेल्फ, प्रिपेयर वन सेल्फ, ब्रेस वन सेल्फ, गेट इन टू पोजिशन या फिर गियर वन सेल्फ। ओके, और एंटीनम्स है बी डिस्करेज या फिर बी रिलक्टेंट। ओके, रिलक्टेंट हमने कल आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछा था, तो आपका आंसर यहीं पे आपको मिल गया होगा। यानी कि इसका जो एंटीनम है, जो तैयार है काम करने को और जो तैयार नहीं है काम करने को, वो क्या हुआ, रिलक्टेंट हुआ। देखते हैं सिनोनिम। डिस्पाइट द क्योस अराउंड हर, द फ्लाइट अटेंडेंट रिमेंड पॉइज्ड एंड काम एंड शी डायरेक्टेड द पैसेंजर थ्रू द इमरजेंसी एग्जिट। यानी कि काफी क्योस, काफी हल्ला गुल्ला होने के बाद में भी जो फ्लाइट अटेंडेंट था, ओके, उसने तैयार रहा वो और कामली बहुत ही शांति से उसने डायरेक्ट किया सबको कि वो इमरजेंसी गेट से पैसेंजर्स को निकाल दे। अब इसकी वर्ब फॉर्म्स है पॉइज, पॉइज्ड एंड पॉइज्ड, और इसके रिलेटेड वर्ड है पॉइज्ड, यानी कि हैविंग ए कंपोज्ड एंड सेल्फ अश्योर्ड मैनर। नाउ लेट्स सी अ ट्रिक। देखिए, बहुत ही आसान ट्रिक है। प्रॉब्लम में दिमाग को थोड़ा पॉज देकर पॉइज करो। तो देखिए, कभी भी फ्रेंड्स प्रॉब्लम आती है तो हमेशा क्या करना चाहिए, शांति से कामली सोचना चाहिए 5 मिनट उसके बारे में, और उसके बाद में तैयार होना चाहिए कुछ काम करने को। ओके, तो अपन क्या बोल रहे हैं, प्रॉब्लम में दिमाग को थोड़ा पॉज देकर, थोड़ा पॉज दो, शांति से बैठो, उसके बाद रेडी करो अपने दिमाग को उस प्रॉब्लम को सामना करने के लिए। तो पॉज और पॉइज, देखिए कितने सिमिलर वर्ड है और एक जनरल कंडीशन है जो कि सभी को अप्लाई करनी चाहिए। उस तरीके से पॉइज वर्ड को आप याद कर सकते हैं कि प्रॉब्लम में दिमाग को थोड़ा पॉज देकर पॉइज करो, पॉइज करो यानी कि तैयार करो। ओके, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। डिस्पेल, मेक डिसअपेयर, हटाना या फिर दूर करना। तो सिनोनिम इसके बैनिश, एलिमिनेट, डिसमिस, डिसिपेट या फिर डिसअपेयर, और एंटोनिम से गार्नर सपोर्ट या फिर अलाउ। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। द डायरेक्टर ऑफ द डिजीज सेंटर गेव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टू डिस्पेल द मीथ अबाउट द थ्रेटनिंग वायरस। यानी कि जो डायरेक्टर था डिजीज सेंटर का, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के दूर किया लोगों का मिथ उस थ्रेटनिंग वायरस को लेकर। अब इसकी वर्ब फॉर्म है डिस्पेल, डिस्पेल्ड एंड डिस्पेल्ड, और इसका ओरिजिन फ्रेंड एक लैटिन वर्ड्स है डिस्पेलर, जिसका मतलब है तो किसी चीज को दूर करना। नाउ लेट्स सी द ट्रिक। देखिए, इस बॉलर के स्पेल को डिस्पेल करो। तो देखिए, इस बॉलर के स्पेल को, स्पेल और डिस्पेल, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो आपने देखा होगा इन बॉलर को मोहम्मद शमी है, ओके, ये लिखवा के लेके आते थे एक ओवर में 2 चौके तो खाने ही खाने, चाहे इंडिया के साथ मैच हो चाहे किसी के साथ भी मैच हो। बहुत तेज बॉलिंग करते थे 150 के ऊपर स्पीड पे, लेकिन 1 या 2, 8 या 10 रन तो इनको देने होते थे। तो ऐसे बॉलर को, ओवर को, स्पेल को अपन क्या बोलेंगे, ऐसे बॉलर के स्पेल को डिस्पेल करो, यानी कि ऐसे बॉलर के स्पेल को हटाओ वरना टीम हार जाएगी। ओके, तो इस तरीके से स्पेल और डिस्पेल वर्ड को अपन लेट करके इसको याद कर सकते हैं कि इस बॉलर के स्पेल को डिस्पेल करो यानी कि हटाओ। इंसिपिएंट, ये एक एडजेक्टिव है और उसका मतलब है बिगनिंग टू हैपन और डेवलप, डेवलपिंग इनटू ए स्पेसिफाइड टाइप और रोल। प्रारंभिक या फिर कोई भी चीज को स्टार्ट करना जो डेवलपिंग स्टेज में होती है उसको अपन बोलते हैं इंसिपिएंट। सिनोनिम है डेवलपिंग, इंसेप्टिव, ग्रोइंग, इमर्जेंट, डाउनिंग या फिर इनक्योस्ट, और एंटोनिम से डेवलप्ड, ग्रोन या फिर मैच्योर। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। द बेस्ट वे टू स्टॉप द डिजीज फ्रॉम स्प्रेडिंग इज बाय आइडेंटिफाइंग इट व्हाइल इट इज ए इंसिपिएंट। यानी कि जब जो बेस्ट तरीका है किसी भी डिजीज को स्प्रेड होने से रोकने के लिए, तो यही है कि आप उसको आइडेंटिफाई कर लो बिगिनिंग के अंदर ही, शुरुआत में आप उसको आइडेंटिफाई कर लो। अब इसके ओरिजिन देखते हैं। लैटिन वर्ड होता है फ्रेंड्स इंसिपिएंट, जिसका मतलब है अंडरटेकिंग या फिर बिगिनिंग, तो वहीं से इसका ओरिजिन है। अब देखिए इसकी ट्रिक। देखिए, ओके,
बहुत आसान ट्रिक है, शुरू में एक बॉटल पीने से इंसिपिएंट करते हैं, तो इस शुरू में एक बॉटल पीने से क्या करते हैं, इंसिपिएंट करते हैं। ओके, जो अल्कोहलिक लोग होते हैं वो शुरू में एक ही बॉटल पीना स्टार्ट करते हैं, एक बॉटल बियर से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद करते करते दो तीन चार पाँच, तो इस तरीके से वो अपनी शुरुआत करते हैं। तो पीने को अपन इंसिपिएंट से रिलेट कर रहे हैं। ओके, शुरू में एक बॉटल पीने से इंसिपिएंट करते हैं, इंसिपिएंट यानी कि शुरुआत करते हैं। तो ऐसे लोग जो अल्कोहलिक होते हैं वो इसी तरीके से एक बॉटल पीने से ही इंसिपिएंट करते हैं, यानी कि शुरुआत करते हैं। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, और अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं तो वहां पे वर्ड यूज करके आप इसको हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और अच्छे वीडियोज कंटेंट प्रोवाइड कर सकें आपके आने वाले पेपर के लिए। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। सॉर, सॉर एक वर्ब है और इसका मतलब है इंक्रीज रैपिडली अबाउ द यूजुअल लेवल, बहुत वृद्धि होना। तो अगर किसी चीज़ के अंदर रैपिडली इंक्रीमेंट होता है, ओके, अगर कोई चीज़ ग्रो करती है तो उसको अपन बोलते हैं सॉर। सिनोनिम में इंक्रीज रैपिडली, शूट अप, स्केलेट, सर्ज या फिर अराइज शार्पली, और एंटोनिम से डिसेंट, ड्रॉप, फॉल, स्लम, नोज डाइव या फिर प्लंज। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। इन समर द टेम्परेचर सॉर टू 50 डिग्री, क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर पब्लिक। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं टेम्परेचर दिन दिन बढ़ता जा रहा है, ओके, तो यानी कि समर में क्या होता है, टेम्परेचर 50 डिग्री तक बढ़ जाता है और लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब इसके वर्ब फॉर्म्स है सॉर, सॉर्ड एंड सॉर्ड। और नाउ लेट्स सी द ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक है। सौर ऊर्जा स्किन क्वालिटी को सॉर कर देती है, ओके, तो सोलर जो लाइट होती है, सोलर एनर्जी जो होती है, ओके, ये बहुत ज़रूरी होती है, विटामिन डी मिलता है इससे और कैल्शियम को ऑब्जर्व करने के लिए भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो सौर क्या करती है, सौर ऊर्जा स्किन क्वालिटी को सौर कर देती है। तो सभी को पता है स्किन क्वालिटी इंप्रूव होती है, जो सूर्य नमस्कार किया करने की जो पहले की ट्रिक थी वो इसीलिए हुआ करती थी ताकि आपको विटामिन डी मिले आपके स्किन को, ओके। इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे स्किन प्रॉब्लम बहुत होती है क्योंकि सौर ऊर्जा ज़्यादा नहीं होती है, ओके। तो इसी तरीके अपन इसको याद कर सकते हैं कि सौर ऊर्जा स्किन क्वालिटी को सौर कर देती है, यानी कि स्किन क्वालिटी को इम्प्रूव कर देती है, बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है। तो इसका मतलब हुआ सॉल्व करना। नाउ लेट्स अनदर वन, दैट इज जियोपार्डाइज। जियोपार्डाइज का मतलब होता है पुट समवन और समथिंग इन ए सिचुएशन इन विच देर इज अ डेंजर ऑफ लॉस, हार्म और फेलियर, खतरे में डालना। अगर आप किसी की लाइफ को डेंजर में डाल रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आप उसकी लाइफ को जियोपार्डाइज कर रहे हो। सिनोनिम में थ्रेटन, एंडेंजर, इंपेरिल, मेनेंस, पुट एट रिस्क, पुट इन डेंजर, और एंटोनिम्स से सेफ गार्ड, प्रोटेक्ट या फिर शील्ड। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। सिंस आई डू नॉट वॉन्ट टू जियोपार्डाइज माई एम्प्लॉयमेंट, आई ऑलवेज कंप्लीट माई डेली गोल्स, यानी कि मैं चाहता नहीं कि मैं मेरी जॉब को खतरे में डालूं, इसीलिए मैं अपने जो डेली के गोल्स हैं उनको कंप्लीट करता हूं। अब इसके वर्ब फॉर्म्स है जियोपार्डाइज, जियोपार्डाइज्ड एंड जियोपार्डाइज्ड, और रिलेटेड वर्ड है जियोपार्डी, यानी कि डेंजर ऑफ लॉस, हार्म और फेलियर। और फ्रेंड्स, एक ये फ्रेंच वर्ड है उससे इसका मीनिंग निकला है। नाउ लेट्स सी द ट्रिक। देखिए, बहुत ही आसान ट्रिक है। जियो के आने से बाकी कंपनी का फ्यूचर जियोपार्डाइज हो गया। तो आप सभी को पता है जैसे कि एक सेलफोन रिवोल्यूशन रिलायंस लेके आया था, वैसे इंटरनेट रिवोल्यूशन भी रिलायंस ही लेके आया है, ओके। तो जैसा कि जियो के आने से सारी की सारी कंपनियों ने इंटरनेट को सस्ता कर दिया है, सारी की सारी कंपनियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो उनका फ्यूचर कैसा हो गया, जियोपार्डाइज हो गया, यानी खतरे में चला गया जियो के आने से। तो इस तरीके से इस वर्ड को आप याद कर सकते हैं कि जियो के आने से बाकी कंपनी का फ्यूचर जियोपार्डाइज हो गया, यानी कि खतरे में आ गया। Now let's see another one. At loggerheads, ये एक idiom है और इसका मतलब होता है in violent dispute or disagreement, असहमति पर होना। तो जब किसी दो लोगों के बीच में या ग्रुप के बीच में असहमति होती है, dispute होता है, तो अपन इसको बोलते हैं loggerheads। Synonym है in disagreement, at odds, at variance, in opposition, at cross purpose, wrangling, at daggers down, और antonym से aggravable या फिर cooperative। Now let's see the example. The two government are still at loggerheads over the island. यानी कि दो government अभी भी असहमत है उस island को लेकर। Now let's see the trick. देखिए, बहुत आसान trick है। Loggerheads होने पे heads बिठाते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा friends, जो fighting होती है, चाहे WWF हो, चाहे कोई boxing हो, कुछ भी हो, तो दो fighter जब असहमत होते हैं, एक दूसरे लड़ने पे आते हैं, तो सिर से एक दूसरे को सिर बिठाते हैं। तो loggerheads, देखिए यहाँ पे भी head आ रहा है, तो इसी तरीके से अपन लॉजर हेड्स में क्या बोल रहे हैं कि लॉजर हेड्स होने पे हेड्स बढ़ाते हैं, ओके। तो इस तरीके से अपन उसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आपके पेपर में आएगा तो आप हेड देख के ही समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या था, असहमत होना, तभी दो लोग आपस में सिर बिठा रहे हैं, अदरवाइज दोनों ऐसा क्यों करेंगे, ओके। तो लॉजर हेड्स होने पे हेड्स बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से आप हेड्स को दूसरे वाले हेड से रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, फ्लिप फ्लॉप। तो बहुत ही सिंपल वर्ड है, लेकिन बेसिकली फ्रेंड्स इसका
बहुत लोग गलत आंसर बोलते हैं या इसको याद कर रखा है। देखिए फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या होता है, अड्रप्ट रिवर्सल ऑफ पॉलिसी, जब किसी चीज़ में उल्टाव होता है, पलटाव होता है, एकदम से चेंज ओवर हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप करना। देखिए रिवर्सल, टर्न अबाउट, चेंज ओवर या फिर वोल्ट फेस, और एंटीनम्स है कंटिन्यूएंस। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। इन अ सडन फ्लिप फ्लॉप द मेयर हैज डिसाइडेड नॉट टू रन फॉर री इलेक्शन, यानी कि जब सडनली क्या हुआ, चेंज ओवर हुआ, तब मेयर ने डिसाइड किया कि री इलेक्शन नहीं होंगे। और नाउ लेट्स सी द ट्रिक, फ्लॉप हो गया फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी नोटबंदी वाली। तो देखिए फ्लॉप हो गया फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी, देखिए जैसे कि डिमोनेटाइजेशन हुआ था और इसका गोल क्या था, ब्लैक मनी को वापस लाना, तो जो प्राइम मोटिव था वो फेल हो गया, यानी कि फ्लॉप हो गया। ओके, और गवर्नमेंट ने क्या किया था पॉलिसीज में, एकदम से फ्लिप फ्लॉप किया था, पूरा का पूरा चेंज ओवर कर दिया था, नोट बंद कर दिए, पूरे की पूरी गवर्नेंस हिल गई, बैंकिंग हिल गई। ओके, तो इस तरीके से अपन इसे याद कर सकते हैं कि फ्लॉप हो गई फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी नोटबंदी वाली। ओके, तो फ्लिप फ्लॉप यानी कि जो चेंज की थी, चेंज किया था पूरा पॉलिसी, कौन सी, नोटबंदी वाली। तो फ्लॉप को अपन फ्लिप फ्लॉप से रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं कि फ्लिप फ्लॉप का मतलब है एकदम से कोई भी चीज़ का बदलाव लाना, पलटाव लाना। नाउ लेट्स अनदर वन, हाइपोथेसिस, सपोजिशन और प्रपोज एक्सप्लेनेशन मेड ऑन अ बेसिस ऑफ लिमिटेड एविडेंस एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, परिकल्पना करना। तो अगर आप कोई भी चीज़ को इमेजिनेशन कर रहे हो, उसको कंप्लीट आपके पास एविडेंस नहीं है, और फिर आप उस चीज़ के ऊपर थीसिस लिख रहे हो या कोई भी बेस बना रहे हो, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, हाइपोथेसिस बोलेंगे। सिनोनिम देखिए थ्योरी, थीसिस, कंजेक्चर, सपोजिशन या फिर पोस्टुलेशन, और एंटोनिम्स अश्योरेंस, सर्टेनिटी या फिर फैक्ट। नाउ लेट्स एन एग्जांपल, द रिसर्चर सेट अप एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, यानी कि रिसर्चर ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया टेस्ट करने के लिए जो कल्पना आपने करी है। वह फॉर्म से हाइपोथेसिस, हाइपोथेसाइज्ड या फिर हाइपोथेसिस, रिलेटेड बना हाइपोथेसिस, यानी कि पुट फॉरवर्ड एज हाइपोथेसिस। नाउ लेट्स सी अ ट्रिक, देखिए ट्रिक देखिए बहुत आसान ट्रिक है, इनकी थीसिस हाइपोथेसिस है। तो अगर कोई ऐसा चीज सोचता है कि एक दिन एक इंसान भी हवा में उड़ सकता है सुपरमैन की तरह, तो अगर ऐसी बात कोई सोच रहा है तो क्या ये थीसिस हाइपोथेसिस नहीं है, और इन चीज़ों के ऊपर कोई थीसिस भी लिख रहा है कि फ्यूचर में ऐसा होगा, फ्यूचर में इंसान उड़ेगा, तो ये थीसिस कैसी थीसिस हुई, हाइपोथीसिस हुई। ये आपकी सिर्फ और सिर्फ परिकल्पना है, क्योंकि ग्रेविटी तो अपना रोल प्ले करेगी ही करेगी, आप ऊपर नहीं उड़ सकते हो। ओके, तो ये सिर्फ आपकी कल्पना है एक तरीके की, जिसके ऊपर आपने कुछ भी लिख दिया है एक लिमिटेड एविडेंस के साथ में। जैसे कि प्लेन उड़ रहे हैं, तो आपने प्लेन उड़ रहे हैं तो सोचा इंसान भी उड़ रहे होंगे, उड़ जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप किसी चीज़ की परिकल्पना कर रहे हैं तो वो क्या है, हाइपोथेसिस है, इनकी थीसिस हाइपोथेसिस है। तो इस तरीके से आप इसको थीसिस वर्ड को इस थीसिस से रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे बोलता है तो आप बोल सकते हैं कि ये सिर्फ हाइपोथेसिस है, और इस वर्ड को यूज कर सकते हैं अपने आसपास। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, कन्फ्रंटेशन, ए हॉस्टाइल और आर्गुमेंटेटिव सिचुएशन और मीटिंग बिटवीन द अपोजिशन पार्टीज, टकराव या फिर आमना सामना होना। तो अगर कोई अपोजिट पार्टीज है दो, और उनका आमना सामना होता है, आर्ग्यूमेंट होता है या फिर किसी भी चीज़ में सामना होता है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, कन्फ्रंटेशन। सिनोनिम है कन्फ्लिक्ट, क्लैश, फेस ऑफ, स्क्रिमिश, डिस्प्यूट, और एंटोनिम्स है एग्रीमेंट, हार्मनी, अकॉर्ड या फिर एमिटी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके लिए दीज वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट इज ओके एमिटी, और ये दो ही वर्ड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, इट लुक अ लॉट ऑफ करेज फॉर द विक्टम टू कन्फ्रंट हर अटैकर इन कोर्ट, यानी कि ऐसा लगता है कि जो ये करेज, इट टुक ए लॉट ऑफ करेज, यानी कि बहुत सारा करेज चाहिए विक्टम के लिए सामना करने के लिए उस अटैकर का, ओके, कोर्ट के अंदर। नाउ लेट्स सी द वर्ब फॉर्म्स, कन्फ्रंट, कन्फ्रंटेड या फिर कन्फ्रंटेड, और रिलेटेड वर्ड है कन्फ्रंट, यानी कि कम फेस टू फेस विद समवन विद हॉस्टाइल और आर्गुमेंटेटिव इंटेंट। और ओरिजिन कहाँ से है फ्रेंड, लैटिन वर्ड है कन्फर्टर, जिसका मतलब है किसी को फेस करना। नाउ लेट्स सी अ ट्रिक, देखिए बहुत ही आसान ट्रिक है, कौन फ्रंट में आएगा हम उसका कन्फ्रंटेशन करेंगे। तो ये अन्ना हजारे है, इन्होंने आंदोलन किया था उस टाइम पे, कोई भी इनके फ्रंट में आए, ओके, अगर कोई इनको अपोज कर रहा है तो सबको ये कन्फ्रंट करने को तैयार थे। तो देखिए कौन फ्रंट में आएगा उसका हम कन्फ्रंटेशन करेंगे, कन्फ्रंटेशन करेंगे यानी कि उसका सामना करेंगे जो भी लोकपाल बिल के सामने आएगा। तो इस तरीके से अपन इसको अन्ना हजारे से रिलेट करके याद कर सकते हैं कि कौन फ्रंट में आएगा हम उसका कन्फ्रंटेशन करेंगे। ओके, देखते हैं लास्ट वर्ड क्या है आज का, स्पेकुलेटिव, बहुत आसान वर्ड है, एंगेज्ड इन एक्सप्रेसिंग और बेस्ड ऑन कंजेक्चर रेदर देन नॉलेज, अनुमानित, विचारमान। तो यानी कि कोई भी चीज़ जो कि पर्टिकुलर नॉलेज के ऊपर बेस्ड नहीं है और अनुमान लगा रहे हो आप उसका, तो वो स्पेकुलेटिव होती है। ओके, कंजेक्चुरल, सपोजिशनल, थ्योरेटिकल, हाइपोथेटिकल, बेस्ड ऑन गेस वर्क या फिर प्यूटेटिव। तो हाइपोथेटिकल जैसे कि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले किया था इस वर्ड को, ये थीसिस हाइपोथेटिकल है,
ओके, या हाइपोथेसिस है, तो वही वर्ड है ये, ऑलमोस्ट सिमिलर दोनों वर्ड है। सिनोनिम है एक्चुअल, फैक्चुअल या फिर प्रूवन। नाउ लेट्स एग्जांपल, आफ्टर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट द रिसर्चर रियलाइज्ड हिज स्पेकुलेटिव अजम्पशन वॉज इंडीड अ फैक्ट। यानी कि जब उसने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तब रिसर्चर को पता लगा कि जो उसने अनुमान किया था वो सच में एक फैक्ट था। वह फॉर्म से स्पेकुलेट, स्पेकुलेटेड और स्पेकुलेटेड, और रिलेटेड वर्ड है स्पेकुलेट, यानी कि फॉर्म अ थ्योरी और कंजेक्चर आफ्टर अबाउट अ सब्जेक्ट विदाउट फर्म एविडेंस। और ओरिजिन कहाँ से फ्रेंड्स, लैटिन वर्ड है उसका, वहां से इसका ओरिजिन है। नाउ लेट्स अ ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक है। रिलेटिव बहुत ज्यादा स्पेकुलेटिव होते हैं करियर को लेकर, तो अगर आपने इस चीज को एनालिसिस किया होगा तो आप इजीली इस वर्ड को याद कर पाएंगे कि आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, सबके जो रिलेटिव्स होते हैं वो सभी के करियर को लेकर बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन लगाते हैं। ओके, कि ये डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तो प्रॉपर फैक्ट पे बात नहीं करते हैं कि वो पढ़ने में उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, उसको बनना क्या है। सब क्या करते हैं, रिलेटिव क्या करते हैं, स्पेकुलेटिव होते हैं। तो रिलेटिव और स्पेकुलेटिव देखिए दोनों कितने सिमिलर वर्ड्स हैं। तो रिलेटिव क्या होते हैं, स्पेकुलेटिव होते हैं करियर को लेकर। तो इसी तरह आप इन दोनों वर्ड्स को रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब आपके कोई रिलेटिव आपके लिए कुछ ऐसा यूज करे तो आप बोल सकते हैं कि ये आप सिर्फ स्पेकुलेशन कर रहे हो। ओके, तो ये सारे आज के अपने वर्ड्स थे फ्रेंड्स, और अपन इन सभी को एक बार वापस से रिवाइज करेंगे ताकि आप इन सभी को ईजिली याद कर सकें और इसको कहीं ना कहीं यूज कर सकें। ओके, पहला वर्ड है अपना जो आज अपन ने देखा था, पॉइज। प्रॉब्लम में दिमाग को थोड़ा पॉज देकर पॉइज करो, यानी कि दिमाग को तैयार करो। डिस्पेल, इस बॉलर के स्पेल को डिस्पेल करो, यानी कि हटाओ। इंसिपिएंट, शुरू में एक बोतल पीने से इंसिपिएंट करते हैं, शुरुआत करते हैं। सौर ऊर्जा स्किन क्वालिटी को सौर कर देती है, यानी कि बढ़ा देती है। जियो के आने से बाकी कंपनी का फ्यूचर जियोपार्टाइज हो गया, यानी कि जोखिम भरा हो गया। लॉजर हेड्स होने पे हेड्स बढ़ाते हैं, यानी कि कोई भी चीज में असहमत होना। फ्लॉप हो गई फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी नोटबंदी वाली, फ्लिप फ्लॉप यानी कि कोई भी चीज में पलटाओ। और इनकी थीसिस हाइपोथेसिस है, यानी कि परिकल्पना है। और साथ में कन्फ्रंटेशन, कौन फ्रंट में आएगा, हम उसका कन्फ्रंटेशन करेंगे, यानी कि उसका सामना करना। तो फ्रेंड डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। अपना लास्ट वर्ड था स्पेकुलेटिव, यानी कि रिलेटिव बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव होते हैं करियर को लेकर। ओके, यानी कि बहुत ही अनुमानित होते हैं। तो अपना जो वर्ड था वो था रिलक्टेंट, बहुत आसान वर्ड था, और मुझे उम्मीद थी कि सभी लोग इसका आंसर सही करेंगे, और सभी लोगों ने सही आंसर किया है फ्रेंड्स। वी आर वेरी वेरी हैप्पी विद इट कि आप लोग ऐसे वर्ड्स को तो एटलीस्ट आसानी से गलत नहीं कर रहे हैं। और आपका जो आंसर था वो था अनविलिंग। ओके, ए आपका आंसर था। जब आप किसी की हेल्प करने को, जो अपने शुरू में डिस्कस भी किया था इस वर्ड को फर्स्ट अपने वर्ड के अंदर ही, देखते हैं आज का क्या है। तो अपना आज का वर्ड है टर्गीवर्जेशन। तो टर्गीवर्जेशन क्या है इसका, आज को आपको एंटीनम बताना है। ओके, अपोजिट मीनिंग बताना है। TERGIVERSATION टर्गीवर्जेशन। ओके, आपके सामने चार ऑप्शंस है, कंप्लायंस, एग्रेशन, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस और प्रॉब्लम। और फ्रेंड्स, यूनिट गिव द आंसर वाया कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। और यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो आप इसे अभी लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।